आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 28 अप्रैल 2024 की 7 बड़ी नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपके लिए डेट शीट, रिजल्ट रिलेटेड अपडेट है और आपके लिए और भी सारी कई अपडेट है। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी अपडेट, तो इग्नू की तरफ से एक और नई टेंटेटिव डेट शीट आपके लिए रिलीज कर दी गई है। ये भी मैं जैसा कि बता रहा हूँ आपको कि ये टेंटेटिव डेट शीट है, यानी कि इसके बाद भी डेट शीट आएंगी और फाइनल डेट शीट जो होती है वो हॉल टिकट के साथ आती है या फिर हॉल टिकट से 1 वीक पहले आपके लिए रिलीज कर दी जाती है, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपको फाइनल डेट शीट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जो जानकारी दे रखी है टेंटेटिव डेट शीट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जो कि क्लैश कर रहा है तो आपके पास मौका है कि 5 मई 2024 तक आप डेट शीट एट द रेट इग्नू डॉट ए सी डॉट इन पर कंप्लेंट कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं। डेट शीट जो फाइनल डेट शीट बनेगी उसमें उसको सुधार कर लिया जाएगा। अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो आपका जो एग्जाम्स हैं वो 7 जून 2024 को शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। ये जो डेट शीट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोज वाईटी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर से आप इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। 7 जून से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं जो कि आपके 13 जुलाई 2024 तक यानी कि शनिवार के दिन तक चलेंगे। आप एक बार डेट शीट को जरूर चेक करें और देखें कि आपके जो एग्जाम का शेड्यूल है उसमें कितना बदलाव किया गया है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और आपके लिए दिसंबर 2023 के थ्योरी एग्जाम रिजल्ट की भी नई अपडेट जारी कर दी गई। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका अभी भी कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट आना बाकी है, यानी कि उसका थ्योरी एग्जाम रिजल्ट अभी तक किसी भी सब्जेक्ट का नहीं आया है, तो वो एक बार फिर से अपना रिजल्ट की अपडेट को चेक कर सकता है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर रिवैल्यूएशन जो है आपका दिसंबर 2023 के रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है उसका लिंक इस समय ओपन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि जब लिंक ओपन हो तब उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की अपडेट जो है वो जारी कर दी जाए, लेकिन इस समय रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो इस समय अपडेट उसका लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये बताना मुश्किल है कि इसमें जो रिजल्ट की अपडेट है वो आई है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और आपके लिए सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसको सीसीपी कहा जाता है, उसके लिए गैंगटॉक रीजनल सेंटर जो कि नोडल रीजनल सेंटर है इस सर्टिफिकेट कोर्स का, उसने अपनी तरफ से आपके लिए गूगल मीट का लिंक जारी कर दिया गया है जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपके 27 अप्रैल 2024 से लेकर 19 मई 2024 तक का आपका पूरा शेड्यूल है, जिसमें ये काम जो है आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आपको इसको जरूर अटेंड करना है। अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के स्टूडेंट हैं, इनका नोडल रीजनल सेंटर जो है वो गैंगटॉक रीजनल सेंटर है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और आपके लिए सीईएस यानी कि सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसका नोडल रीजनल सेंटर देहरादून रीजनल सेंटर है, उनकी तरफ से भी गूगल मीट का लिंक जारी किया गया है काउंसलिंग सेशन के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि AHI 01 और TS 05 जो है उनका जो शेड्यूल है वो यहाँ पर आपके लिए गूगल मीट के लिंक के जरिए जारी किया गया है। इसको आपको जरूर अटेंड करना है अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज के सर्टिफिकेट के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और यूजीसी की तरफ से आपके लिए एक नया नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि कुछ इस तरीके के टेक्निकल कोर्सेज है जैसे जिनका गलत एब्रीवेशन का इस्तेमाल करके कोर्सेज को करवाया जा रहा है। आप जानते हैं एमबीए का मतलब होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसी एब्रीवेशन का इस्तेमाल करके कोई और कोर्स अगर कोई करवाने की कोशिश कर रहा है या फिर 10 दिन का MBA, 15 दिन का MBA, 1 महीने के अंदर MBA के बारे में कोई बात इस तरीके से करता है तो वो गलत है, क्योंकि जो कोर्सेज होते हैं उनको UGC की तरफ से मान्यता मिली हुई होती है, जिसमें पहले से ही ये बता दिया जाता है कि ये कोर्स 1 साल का होने वाला है, 2 साल का होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाने वाले हैं, किस तरीके से उनके असाइनमेंट्स होंगे और किस तरीके से उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको ये मान्यता नहीं मिली हुई है कि वो अपने हिसाब से कोर्सेज में चेंज कर दे, उनकी ड्यूरेशन को, उनके समय को बदल दे। तो इस तरीके के अगर कोई करवाता है या करवा रहा है तो उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है। UGC की तरफ से नोटिस जारी किया गया है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।